सहमति नहीं है, ये अत्यंत भक्त वाला है, ये संस्कार जन्म है और ये अस्फुट कहीं पे अव्यक्त है, कहीं पे व्यक्त है, इस कई चीज़ यहाँ हेतु दे करके जितना यहाँ पे दिखाई पड़ता है स्वप्नों में, तो सारा हेतु जागृत में बैठा हुआ है। मुख्य रूप से हम तो बोलते हैं दृष्टत्वार, मतलब ग्राह्य ग्रहण भाव जहाँ पे है, जड़ वो होता है जो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कह सकता कि मैं हूँ, पर तो चेतन है कि जब तक वहाँ भी वही हूँ बैठा हुआ, तो चेतन उसको है जो अपने कह सकते कि मैं सारा मतलब जागृत जागृत वस्तु में भी यही मतलब गुण बैठे हुए हैं जितना स्वप्न में बैठे हुए हैं। इसलिए जागृत भी स्वप्न की तरह मिथ्या है, ऐसा कथन करने के बाद अब जो है ये यदि सभी मिथ्या है तो स्वप्न दृष्टा भी मिथ्या होगा, तो नहीं स्वप्न दृष्टा मिथ्या है, दृष्टा में कभी मिथ्यात्व तो नहीं आता। स्वप्न दृश्य वस्तु और स्वप्न दृश्य वस्तु का ज्ञान, स्वप्न दृश्य वस्तु का ज्ञान ये दोनों मिथ्या है, परंतु ज्ञान स्वरूप आत्मा मिथ्या है। फिर जो है अब फिर यहाँ शंका उठा तो कल्पना कौन किया, तो यदि मैं है कौन वहाँ पे, तो कल्पति आत्मा आत्मा आत्मदेव समय अपने आप आत्मिक कल्पना करता सएव बुद्ध दे भेदान वही आत्मा है सवैध संकल्प वही विकल्प करता रहे। तो कौन सा सृष्टि पहले कल्पना किया, बोलते पहले जीव की कल्पना, फिर जीव की अनुकूल उनका उपयोगी वस्तु को कल्पना की, तो जीव की अनुकूल वस्तु क्या क्या है, तो एक संक्षेप में पहले बोले थे प्राणादिभिर अनंतस्य भावे एते विकल्पित माया ईशा तस्य देवस्य यया सम्मोहितम स्वयं, ये ध्यान रखना हमेशा कि ये माया जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये ईश्वर तत्व यहाँ बैठे हुए भी अपना ही रुचि तो माया के द्वारा अपने आप फंस गए, अपने आप फंस गया। आप वर्तमान कभी ऐसा भी हमने सुना कि मतलब पिता माता और संतान चाहते हैं, परंतु अरे ऐसा संतान नहीं होता तो अच्छा, ऐसा स्थिति भी कभी कभी आते हैं, ये जो है ज्यादातर ऐसे ही होता है। अच्छा तो कहने क्या है, तो ये जो बोले ना जया सम्मोहितम स, अपने सृष्टि करके अपने आप ही मोहित होकर के फंसा। फिर आगे बोलते हैं कोई लोगों ने प्राण तत्व की सृष्टि के मुख्य तत्व माना, इतना अरे प्राण क्या करेगा, प्राण कहाँ से आते, हम भौतिक वस्तु के देखो काम चलते हैं यही मुख्य है। फिर कहता है नहीं नहीं प्राण अथवा भौतिक वस्तु नहीं है, इसके पीछे गुण है, शंखवादी बोलते हैं त्रिगुणात्मक का प्रकृति है उसे से, अब वो एक वादी बोलता अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे तीन तत्व है पशुपाश और पशुपति, यहाँ पे शब्द प्रकृति आत्मा अविद्या और शिव, जीवात्मा शिव अलग है आत्मा अलग है, तो बस ये निकल एक ही है कि ये सब यदि अलग अलग है तो सब परिच्छिन्न नाशवान होगा, और यदि सभी में मुख्य तत्व है तो एक से काम चलता है तो सी भी एक तत्व है, तो तीन बनाया क्यों तुमने, शिव तत्व मानो बाकी कल्पित मानो, इस प्रकार से लोग उनको मत को खंडन करते हैं। फिर आगे ये बोलते हैं कोई कहता है पाद मतलब ये जीव में अंश दिखाई पड़ते हैं, ये जो अंश दिखाई पड़ते हैं तो ये अंशांश भाव से भिन्न माने हैं, तो और भी गया गुजरा। और दूसरा वादी फिर बोलते हैं नहीं नहीं देखो विषय भोगने के कारण यहाँ पे विषय उत्पन्न होता है, इसलिए विषय ही जगत का मुख्य तत्व है, अंश जो है वो विशिष्ट नहीं, अवयव वस्तु में अंश कहाँ से होगा,
कई बात है, अंश अंशी भाव है, विशिष्ट कर दो बाबू। मैं तो मैं बोला उस दिन ना एक ही भेदाभेद बात है, मतलब समकालिक भेदाभेद बात, विषमकालिक भेदाभेद बात, ये कई प्रकार के अंश भेद भेद भी है, अभेद भी, अंश भी है, अंशी भी है, इस प्रकार से बोलते हैं। और कोई कहता है कि नहीं नहीं विषय ही सबसे बड़ा है, तब उसके बोलते नहीं नहीं ना भोग्य वस्तु ना वहाँ पे अलग अलग जो लोग है ये नहीं है, मतलब पाप से लोग भी ले सकते हैं वहाँ पे रहने वाले, वो काम के नहीं है, उसमें तो लोग सत्य है, भोक्ता व भोग्य सत्य नहीं है, लोग से हम बैठ करो। बोलते अरे वहाँ पे जाओगे कैसे लोग के पास, देवता देवता, अरे देवता भी कितने हैं तुम्हारे पास, बोला आपस में लड़ते रहते हैं और शुरू के साथ लड़ाई तुमको लगा रहे थे, भूलता तो कैसे होगा। एक बार तब खड़े हो गए पूर्व मीमांसा का, एक तो देवता कांडी है और एक जो नहीं नहीं देवता देवता कुछ नहीं, कर्म ही है, वेद ही है। 21 तक हो गया था ना, 22 तक आपस में लड़ाई हो, आपस में भी है वहाँ पे पूर्व मीमांसा 22 पढ़ लिए थे ना उस श्लोक पर, दोबारा पढ़ेंगे 22 नंबर श्लोक, 21 कंप्लीट हुआ, 22 नंबर श्लोक भी नहीं पढ़ा था, श्लोक पढ़ लिया था, श्लोक पढ़ लिया था, हम दोबारा श्लोक को पढ़ते एक साथ मिल कर लिए। वेदाइति वेदविदो ये गणाइति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः। बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई कहता है जो वेद को मानने वाला है वो कहता है वेद ही सब है, वेद ही और पुरुष है, वही सृष्टि का मूल तत्व है। तब बोलते अरे भाई पूरा वेद पढ़ के तो देखो, स्वर्ग काम जतिष्ठु जजेत हर हर संद उपासित दश पूर्ण सभ्यम सब जाग जज्ञ, वेद कुछ नहीं करता, वो उसका कर्म का अनुष्ठान करोगे तब जाके उसका फल मिलने वाला है। इसने बोला यज्ञ इति तद्विद, बोलते नहीं नहीं दस भोगेगा कौन, यज्ञ करके जाएगा कौन, भुगता जाएगा। 6-6 शंकवाद जो जीव अलग मानते हैं तो वो लोग बोलते नहीं नहीं भोक्ता ही मुख्य है, क्योंकि उसी के लिए कर्म आदि का वो ये वेद अथवा कर्म कर्म का फल किसके लिए विधान किया गया है, जिसके लिए विधान किया वही मुख्य तत्व है। यहाँ तक तो कुछ बौद्धिक चल रहा था, मतलब विचार है। एक बात इस बीच में आए गए, अरे भाई ये काहे लड़ते हो, खाओ पियो जियो बस, चार बाग का एक पार्ट तो भोज्य मिति जग भी दो, माल कुआ खाओ, भंडारा खाओ, कई खाओ, ये भोग्य वस्तु ही, मतलब भोगी जीवन के सर्वत से ऐसा कर भी कुछ बोलने वाला ही, मतलब केवल भोगवादी है ये तो, बहुत ही बंदी बुद्धिबंदी है। अब जो लोग वेद को मानते हैं मुख्य, वो वेद को ज्ञान रूप में नहीं मानते, वेद को केवल अक्षर रूप में मानते हैं, शब्द के अक्षर के समूह को वेद बोलते हैं। अभी अक्षर समूह को क्रम से उच्चारण करने शब्द उत्पन्न होता है उसको वेद मानते हैं, और वेदांत की वेद को अपुरुष मानते हैं, और वेद को प्रामाणिक मानते हैं, तो वेद के ज्ञान मतलब वेद वेद मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान का नाश नहीं होता, उसका संस्कार रह जाता है। ये इसको लेकर के देखिए यहाँ पे आनंद गिरि लिख रहे हैं, ऋग्वेदादय द्वयो वेद है ना, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इस प्रकार इसको चत्वार वेद कितना है, चार तत्वानि इति पाठ का वही मुख्य तत्व है। ये कौन लोग बोलते हैं वेद पाठ करने वाले, केवल पाठ करते हैं बोलो, परंतु अनुष्ठान नहीं, कर्म का अनुष्ठान नहीं करें, मुख बोले ये बोला ये बोला ये ऐसा बोला ऐसा ऐसा बोला, केवल शब्द मात्र के उच्चारण, यानी कि जब आप वेद पाठ कर रहे हैं तब वेद की उत्पत्ति, और जब वेद पाठ नहीं कर रहे तब वेद की नाश। देखो यदि शब्द मात्र की क्रमिक लौकिक वर्णों को क्रम से उच्चारण करना जो शब्द होता है उसी को यदि वेद बोलते तब तो उत्पत्ति भी नाश हुई है, इसीलिए बोलते हैं ऋग वेदादयो वेद चत्वर ऋग यजुर्षाम अथर्ववेद, ये जो वेद चार वेद है तो वही मुख्य तत्व तत्वानी वेद चत्वर तत्वानी इति पाठका वदंती। कौन लोग ऐसा बोलते हैं, वेद पाठी लोग ऐसा बोलते हैं, वेद पाठ करने वाले है एक ग्रुप ऐसे भी बना रहे, बस यही सब कुछ है। भगवान भाग्यवाद लास्ट में इसका प्रसंग करते बोलेंगे अपनी प्रारब्ध के अनुसार जिसको जिस मार्ग में जुड़ गया वो उसी को ही तत्व मानते हैं। अर्मार्थिक तत्व क्या है वो नहीं, मतलब जिसको जिस मार्ग यही मार्ग ठीक है दिखाया गया है, बेचारा नहीं जान तो उसको ठीक मान करके चल गए, चलो ऐसा चलने से भी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो दो समय लगता है। तो यहाँ पे बोलते हैं पाठ का 5 नंबर टिप्पणी में देखिए, पाठ का अर्थ अनुसंधानम बिना एवं केवल पाठ मात्र रता,
अर्थ अनुसंधान किए बिना केवल पाठ में लगे हुए हैं। पाठ क्या वस्तु है देखिए, आपने आप बोलते हैं इति अर्थ, तदपि कल्पना मात्र, ये भी एक कल्पना ही है। क्यों नहीं, वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त, ये उनका शब्द है ना, ये वेद को क्या मानते हैं ही, क्योंकि ही न अलग बोलेंगे न दृश्यंते अर्चक अन्य वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त न दृश्यंते, लौकिक वर्ण है ना, इस प्रकार से वर्णों से भिन्न करके कुछ नहीं है वो वेद, मतलब शब्द राशि को वेद मानते, शब्द राशि को वेद मानते हैं, शब्द को क्रम से उच्चारण उदात्त अनुदात्त स्वरित विह्रस्व दीर्घ कृत इसका ठीक ठीक उच्चारण करके इसको इतना ही वेद है। और यही मूल तत्व, यही मूल तत्व देखना आपने ब्रह्मसूत्र में देवता अधिकरण आया हुआ, भगवान ने इस शब्द को बोल के इसको उत्पन्न किया, इस शब्द को बोल करके ऐसा उत्पन्न किया, ऐसे करके शब्द से उत्पन्न किया। और ये लोग क्या है कि कुछ वर्णवादी है, वर्णों को शब्द मानते, परंतु वर्ण एक होने पर भी जो है अलग अलग व्यक्तियों की तरह उच्चारण के कारण अलग 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 सुनाई देते हैं, है कि नहीं, वर्ण अलग अलग सुनाई, इसलिए ये उच्चारण से उसको उतना हिंसा को भेद, ये बोलते हैं नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त दृश्य न दृश्यंते, वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त न दृश्यंते, वेद लौकिक वर्ण से भिन्न करके कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है ना, क्रमवताम एव वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्व अंगीकारा, तो देखिए उनकी मत को थोड़ा संक्षेप में बता दिया, क्रम से वर्ण को उच्चारण करने से जो शब्द अर्थ आता है बस इतना मात्र को वेद मानते हैं। देखिए क्रमवताम एव वर्णानाम, वर्ण को क्रम से उच्चारण करना, ठीक है ना, मतलब राजा बोलना है, सर्ग काम बोलना है, तो इस सब वर्णों को आपको ऐसा उच्चारण करेंगे ताकि आपको शब्दों का बोध हो, लौकिक वर्ण कहे अलौकिक वर्ण, लौकिक वर्ण कहे क्रमवताम एव वर्णानाम, जैसे राजा और जारा, कपि और पिक लगभग एक ही है अर्थ, देखिए तो परंतु अलग अलग शब्द अलग अलग बोध कराता है, इसी प्रकार से इतना कोई बोलता है क्रमवताम एव वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्व अंगीकारण, इसी को ही वेद शब्द वेद मानते हैं, इसी को ही वेद मानते हैं, उनके सिद्धांत मैंने वेद मतलब है शब्द राशि, और शब्द राशि को क्रम से उच्चारण करने से जो बोध होता है यही संसार के मूल तत्व है, उसका अनुष्ठान के ऊपर उसका वो नहीं है, आग्रह नहीं है, तो इसलिए उसके वेद बोले क्रमवताम वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्व अंगीकार। छह नंबर टिप्पणी, क्रमवताम कल्प कल्पांतरेषु अपि पूर्व पूर्व कल्पस्य क्रमवताम, पूर्व कल्प में भी वेद जैसा था, इस कल्प भी ऐसा है, उस कल्प में भी सूर्य जिसको सूर्य उच्चारण करते थे इस बिंदु को देख करके, यहाँ पे और सूर्य बोलते नहीं है उसको, सूर्य बोलते हैं, जिसको नदी बोलते थे वहाँ के दीन ने उसको दीन नहीं बोलते हैं, नदी बोलना है उसको दीन बोलना, वो ऐसे नहीं बोलता जैसे पहले कल्प में था, जिसको वो पिंड बोलते थे जिसको मनुष्य पिंड बोलते थे, अभी भी वैसे ही बोल रहे हैं, है ना, ये शब्द राशि, इसलिए देखो ये शब्द राशि नित्य है, अनादिकाल से एक ही प्रकार शब्द राशि चले, यही मूर्त ये उनका कहना, ठीक है ना, मानने वाले की भी अपने पक्ष में युक्ति देते हैं और उसको मतलब खंडन करने के लिए हमारे पास युक्ति, वो कहते हैं कि अनादिकाल से जब यही शब्द राशि इसी क्रम से उच्चारण करने से एक निर्दिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, इसी वजह शब्द ही और उसी से जो सृष्टि होती है, ये उनका। अच्छा अब यहाँ एक अद्वैतवादी के पास जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, जो वेद पाठी जो लोग हैं पाठक उनका मूल लक्ष्य क्या है, पाठ कर जाए, केवल पाठ कर जाए, मुक्ति आदि के कंसेप्ट इन लोगों के पक्ष में क्या है इतना तो मुझे पता भी नहीं, ये मुक्ति किसको मानते हैं, भगवान भास्कर ऐसे ही बोला जिसको जैसा देखा वो इसी को जीवन की परम प्राप्ति मानते हो, परंतु चाहे आप कितना भी अच्छा वेद उच्चारण कर लीजिए, वैदिक मंत्र उच्चारण कर लीजिए, परंतु उसमें जिस कर्मों का विधान किया गया है उस कर्मों को यदि आप नहीं करेंगे तो कहाँ से फल प्राप्त होगा, और यदि उच्चारण मात्र को आप मतलब उच्चारण काल भी उस स्थिति है और उच्चारण से पहले भी नहीं है बाद में भी नहीं है, परंतु क्या अनित्य वस्तु विकारी वस्तु हो जाएगी, इसलिए आप बोलते हैं कि कर्मवताम एव वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्व अंगीकारा, उसको आपने क्योंकि जितना पुस्तकें भी इतना मतलब सिद्धांत अन्यान्य वादियों का जितना मत यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता, हमें तो इतना पुस्तक पढ़ने का समय भी नहीं है इतना मतलब, और इन लोगों ने तो एक बार पढ़ते थे उनका याद है भाष्यकार कुछ समकालिक है,
तो क्या क्या वहाँ पे सिद्धांत है मुख्य रूप से जितना यहाँ से पता लगता है इतना ही हम पता चलता यहाँ से इतना ही पता लग रहा है क्रमवत है वो वर्णन वेद शब्द वाचित अभिकरण इसी बात ने इसको ऐसे ही माना देखिए क्रमवत बोलते हैं कल्प कल्पांतरेश मतलब एक कल्प दो कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक काल को लेकर के जितना कल्पांतर से पूर्व पूर्व कल्प से जिसका जैसा पूर्व कल्प में वर्ण उच्चारण जिस क्रम से वर्णों को उच्चारण करने से एक विषय को बोध कराता था ऐसा ही इस कल्प में भी ऐसे ही चल रहा है क्रमवता मिति अर्थ इस प्रकार जो क्रम से शब्द को लौकिक वर्ण को उच्चारण करने से जो वस्तु प्राप्त होते हैं अलौकिक वस्तु उसको वेद शब्द कहते हैं तब भी बोल रहे हैं कि देखो मैं कि क्रमश्च उच्चारण उपलब्धियों अंतर्गत वर्णसु वर्णेशु आरोप्यते अब देखिए क्रमश्च उच्चारण उपलब्धि क्योंकि उच्चारण अर्थित बोल ये कहाँ का आरोप करता है वर्ण के ऊपर आरोप करता है तो उसी को नित्य बोल देना इसीलिए आप बोलते हैं क्रमश उच्चारण उपलब्ध जब उच्चारण करते हैं तब उसको उपलब्धि होते हैं जब उच्चारण नहीं करते तब उपलब्धि नहीं होती इसी को यदि आप ब्रेन में डालोगे क्रम से क्रमश्च उच्चारण उपलब्धियों अंतर अन्नतर गतो ये दोनों का अंदर रहने वाला वर्णेशु आरोपित जो धर्म है वो वर्ण में आरोप किया जाता है क्रम से उच्चारण तथा च तथा विध क्रमवतां वर्णानां आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्यत्व अब ये हो गया इस प्रकार क्रम से उच्चारण करने वाले जो वैदिक शब्द है उसको आप वेद बोलते हो है ना उस वर्ण के ऊपर आप वेदत्व के आरोप कर दो हमने बोला वेद है ना यहाँ पे एक व में एक एकार की मात्रा और द दो शब्द में आप ये जो वेद शब्द आपने प्रयोग किया इस पर शब्द प्रसाद का काम ज्योतिष में ये शब्द आपने किए तो आपका उच्चारण इतने को तुम वेद बोलते हो ये तो अनित्य है इसलिए आप बोलते हैं तथा विध क्रमवतां वर्णानां आरोपित रूपेण वर्णों का जो आरोपित रूप है उसी को तुम उसको तुम वेद शब्द वाच्य तब उसको तुम वेद वाच्य शब्द वाच्य होने कारण उद्धव वेदानां परमार्थता इसमें परमार्थिकता कैसे आएगा वर्ण के उच्चारण में इसको उपलब्धि मात्र यदि वेद है तो तात्कालिक है उच्चारण फिर उसको उपलब्धि में तात्कालिक है उसमें परमार्थिकता कैसे आएगा ये मूल तत्व कैसे हो सकता है ये मूल तत्व कैसे हो सकता है फिर भी हम उनको भी यही पूछेंगे ठीक है वेद शब्द उच्चारण और उसकी जो उपलब्धि आपकी होते हैं तो ये उपलब्ध करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा उच्चारण करने वाला भी होगा कि नहीं होगा वो तो वेद के पीछे बैठा हुआ उच्चारण से भिन्न एक उच्चारण करने वाला चाहिए तो उच्चारण करने वाला उससे आगे हो इसलिए वेद मूल तत्व हो नहीं सकता जब देखा कि नहीं ये तो वेद तो गड़बड़ हो गया मामला तो बोध है आचार्य जो यहाँ पे बोलते हैं मतलब जो जाग जगधनि को लेकर एक बोधायन जो बोलते हैं ज्योतिषमादय यज्ञ वस्तुभूत भवंत चाहे आपको वेद कितना भी आप पढ़ लो आप सारा वेद का ज्ञान है परंतु यदि वेद जैसे अनुष्ठान करने के लिए अथवा जो करने के लिए विधान किया उसको नहीं करोगे तो कुछ भी फल मिलने वाला नहीं आपके घर में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है बहुत बड़ा है हम सभी विद्वान हो जाएंगे क्या क्यों हमारे पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी जिसका पास है वो भी विद्वान नहीं तो सजा के रख दिया उससे अच्छा दो ग्रंथ भी अगर आपके पास रहे उसको ठीक से पढ़े कुछ आचरण करेंगे तो उसका लाभ है उसका लाभ हमारी बड़े समझ घर से बोल जाते माइक में हिंदू 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 करके चिल्लाने से हिंदू तो थोड़ी रक्षा होगा हिंदू का जो आचरणीय है उसको करते रहो तब अपने आप ही रक्षा होगा उसका केवल हल्ला करने से थोड़ी होगी ये जो उच्चारण करने से तो बोलते और आचरण नहीं करोगे तो कैसे रखे एक अभिमान आना चाहिए मैं इसको आचरण करता हूँ इसलिए हमारे ये जो है इस तरह में अभिमान हो गया आचरण किए बिना केवल मात्र इसलिए इस तत्व को सही नहीं माना गया है वेद पाठ का सामान्य फल माना मतलब ये मूल तत्व है संसार की ये तो नहीं माना ये तो हम भी बोलते हैं क्योंकि ये जो हम ये पढ़ते हैं लोक सिद्धांत को मत शिव जी का डमरू से आया हुआ है तो इसीलिए केवल मात्र लघु सिद्धांत का सूत्र आपने सूत्र भी याद कर लिया अष्टाध्य परंतु उससे लघु लगाना आ जाएगा आपको सूत्र लगाना आ जाएगा संस्कृत शब्द समझ में आ जाएगा नहीं आएगा एक यही अभिप्राय है कि शब्द हाँ उससे एक अपूर्व उत्पन्न होगा आपका कुछ पुण्य होगा हाँ उस पुण्य के फल से धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होगा तो आपका अंदर उत्सव जगेगा क्या जगह होगा कि हम इस अर्थ भी क्या वही समझा इस अर्थ हम संस्कृत शब्द का स्वतंत्र रूप से हम अर्थ कैसे समझे वो उत्पन्न होगा फिर आप उसका
ये क्या होगा, तब क्या हो जाएगा कि वो जो है आप अलग करके उसको जब पढ़ के समझेंगे तब उसका उपयोग होगा, ये अभिप्राय है। आगे बोलता है ज्योतिषमादय यज्ञ वस्तुभूता भवन्ति इति बोधायन प्रभृतय जाज्ञिका मन्यन्ते, है ना। ज्योतिषम दर्श पूर्णमासी शब्द मुख्य जाग होता है, ये पारमार्थिक है। अग्निहोत्र तुम सबसे मुख्य अग्निहोत्र ज्योतिषम दर्श पूर्णमासी चतुर्य आदि ज्योतिषमादय यज्ञ वस्तु होता, ये पारमार्थिक है क्योंकि यज्ञ आपको फल देने वाला है, इससे आपको लोक प्राप्ति होती है, इसलिए यही पारमार्थिक है, ऐसा मानता है। वास्तु होता भवन के पारमार्थिक है, क्योंकि बोधायन प्रभृत बोधायन के साथ और भी ऋषि लोगों के जाति का जो यज्ञ को मुख्य रूप से मानते थे वो लोग हुए परम तत्व ऐसा मानते थे। ध्यान देना है किसको लेकर के विचार चल रहा है, किसको लेकर के इतना सब बोल रहा है, मूल को नहीं छोड़ना। मूल क्या है, कल्पना की राशि को खान, कल्पना की राशि के स्पैन कहाँ तक भर रहा है, प्राण से लेकर के शुरू के वेद आदि जो भी कुछ है, ठीक है। अगर इतना भी मैं पहले बोला कि मिथ्यात्व की सापेक्ष में चिंतित किया, स्वप्न मिथ्या क्यों है, जागृत के सापेक्ष में मिथ्या है, स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या नहीं है, स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार जागृत मिथ्या क्यों है, जागृत मिथ्या तब है जब आप आत्मा के प्रति जागृत होंगे, स्वरूप के जागरण प्रति जागरूक होने पर जागृत मिथ्या है। इस क्रम से ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे पारमार्थिक मिथ्या तो नहीं बोलते, सापेक्षिक मिथ्या, सापेक्षिक मिथ्या। इसीलिए हम बोलते हैं ज्योतिषमादयो यज्ञ वस्तुभूता भवन्ति, ज्योतिषमादि यज्ञ ये पारमार्थिक वस्तु है ना, भवन्ति वस्तुभूता मतलब पारमार्थिक धर्म। इति बोधायन प्रभृत जागिका, बोधायन प्रभृति ऋषि लोग जो यज्ञों के मुख्य मानते थे वो लोग ऐसा मानते मानते, तदपि भ्रांति मात्र, ये भी भ्रांति है। बोधायन सूत्र ऐसा बोलते हैं यज्ञ व्याख्या श्याम, है ना। अब मैं यज्ञ के बारे में व्याख्या करूँगा, है ना, यज्ञ व्याख्या श्याम। द्रव्य यज्ञ क्या है, द्रव्यम देवता त्याग इति, अत्र एकैकस्मिन् यज्ञ विज्ञान अभाव समुदाय अवस्तुता इति अह यज्ञ इति। जब बोलते हैं हम यज्ञ के बारे में व्याख्यान करेंगे तो जो यज्ञ क्या वस्तु है, द्रव्य देवता और त्याग, किसी देवताओं के उद्देश्य में, किसी देवताओं के उद्देश्य में किसी द्रव्य की त्याग को हम जात बोलते हैं। क्या बोला, किसी देवताओं के उद्देश्य में किसी द्रव्य की त्याग को हम जात बोलते हैं, ठीक है। हम यज्ञानाम जप यज्ञ अश्विन, जप यज्ञ कैसे होगा, बोधायन आचार्य क्या बोलते हैं कि द्रव्य देवता और त्याग, तो आप यहाँ पे क्या त्याग करेंगे, ना ना जॉब करना त्याग नहीं करना, उल्टा नहीं करना, वाणी वाणी जो जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं अजपा नहीं, पहले ऐसे तो जो इतना उपांश जो आप करिए, आप पहले मत जो शब्द आप कहेंगे वो वाणी की त्याग, किसी देवता आप इष्ट को उद्देश्य जो करते हैं उसके द्वारा क्या बोलते हैं कि द्रव्य, आप वाणी रूपी द्रव्य को अपने इष्ट देवता के उद्देश्य में त्याग किए होगा, जप यज्ञ मंत्रों में जब जब यज्ञ करते हैं मतलब क्या जगह इष्ट देवता के उद्देश्य में वाणी आत्मा देव मन वाणी को शुद्ध करने के लिए मंत्र जब आदि मंत्र कर्म शुद्ध के लिए करते हैं इसको, है कि नहीं। ये हो गया आपका ये जप यज्ञ। यदि भगवान बोला प्राणायाम भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है, जो हमारा क्या बोलते हैं ये आता है ना वो, हाँ मतलब ये अब हमारा अंदर की इसको सोच करके ओम भू ओम भू ओम स ओम यहाँ फिर सूर्य चंद्रमा सूर्य पुष्पा करके अंदर की इसको चिंता मतलब प्राणायाम यज्ञ मतलब प्राण वायु को त्याग कर रहे हैं, प्राण वायु अपनी प्राण देवता को वायु देवता को चिंतन करते प्राण वायु को त्याग कर रहे हैं, वायु देवता का उद्देश्य ये हो गया आपका प्राणायाम। और फिर मान लीजिए शिव जी आदि के ऊपर यहाँ पे है प्रतीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिव जी के ऊपर आकर के जल लगाते हैं शरीर पर दर्श तुलसी आदि लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जलात्मक द्रव्य को देवता के उद्देश्य में हमने त्याग किया, ठीक है ना। इस प्रकार से इन यज्ञों को द्रव्य देवता त्याग तत्र एक ही कस्मी, अब यहाँ पे आप आपसे पूछते हैं ये द्रव्य आपका मुख्य है, देवता मुख्य अथवा त्याग मुख्य है, अथवा तीनों ही तीनों में से कोई एक तत्व अथवा तीनों त्याग तत्व अथवा तीनों में से एक तीनों मिल करके तत्व है, अगर तीनों मिल करके आप बोलेंगे यानी कि एक थोड़ा बिगड़ गया तो बाकी दो काम नहीं करेंगे, तीनों मिल करके मुख्य तत्व बाकी दो काम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सात नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है,
द्रव्यम इत्यादि बोधायनीय सूत्र में था, है ना। देखो बोधायन शब्द का तद्धित हुआ है, आदिअस्क वृद्धि हो गया और इन ख प्रत्यय हुआ यहाँ बोध बोधायनीय अथवा छ प्रत्यय लगा करके फिर उसके स्थान में यह आदेश, यह आदेश हो गया बोधायन और बोधायनीय मतलब बोधायन से संबंधित उसका द्वारा लिखा हुआ जो सूत्र है ये तपीठ है और कुछ सूत्र है द्रव्य देवता त्यागी की अत्र एक ही कस्में एक एक में आपका पारमार्थिकता है यज्ञ विज्ञान अभाव के पूरा केवल एक को जानने से पूरा यज्ञ को जान लेंगे ऐसा तो होगा नहीं। द्रव्य को जानने से एक ही कस्में यज्ञ विज्ञान अभाव समुदाय तीन मिल करके जब हुआ तो समुदाय आप समुदाय को छोड़ करके तो समुदाय होता नहीं है कुछ, इसलिए वो अवस्तुत्वा इतनी आहोष के मन में रखते बोलते हैं यह इसलिए अवस्तुत्ता के ऊपर टिप्पणी देखो दे रहे अब समुदाय व्यतिरेक इति अर्थ समुदाय और समुदायी है ना मतलब समुदाय मतलब जिससे समुदाय बनता है अवयव अवयवी अवयव के बिना अवयवी तो कोई हो नहीं सकता इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि समुदाय व्यतिरेक न अवस्तुत्वा इति आह उसको मन में रखते बोलते हैं यज्ञति तद्विदः यज्ञ करने वाले लोग बोलते हैं यज्ञ संसार के मूल तत्व है ना क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं ना कि पूछा था किम कर्म पुरुषोत्तम तो बोलते हैं कि किम तद ब्रह्म की धर्म किम कर्म पुरुषोत्तम तो अतिभूत चरम पुरुष देवता तो होते अक्षर ब्रह्म पर स्वभाव भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहिता भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहिता ये जो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए देवताओं के उद्देश्य में जो आप देवता को त्याग करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं। पूछा ना कर्म किसको बोलते हैं भूत भाव उद्भव कर मतलब सृष्टि की रक्षा को चलाने के लिए भूत भाव भूतम भवंती भूतानि भवंती भूत भाव जिससे सृष्टि चलती है जिससे भूत उत्पन्न उद्भव कर इसको चलाने वाला उत्पन्न करने वाला जो देवता के उद्देश्य त्याग करता है भूत विसर्ग मतलब त्याग करना कर्म संगीत कर्म ये कर्म की परिभाषा है वैदिक कर्म किसको बोलते हैं खाना पीना उसको लेकर के इतना किस कर्मों के साथ समुच्चय नहीं होगा। यदि आपको लोग तो पहले बोलते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होता पहले तो यही आपको पता नहीं है कि कर्म सम क्या बोलती है कर्म योग नहीं अष्टमाध्याय में पहले ही है देखिए अष्टमाध्याय का दूसरा श्लोक पूछा हुआ कि ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम प्रथम अधिदेव किम उच्च अक्षर ब्रह्म पर स्वभाव अध्यात्म भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत है ना। ये देखिए कर्म की इस परिभाषा कभी भी कोई शब्द प्रयोग करते हैं उसको दो चीज पर ध्यान दीजिए इस शब्दों के द्वारा ग्रहणीय क्या है और त्याज्य क्या है हमेशा ध्यान देने से कोई शब्द को हमने बोला इस व्यक्ति को देखो तो आप यहाँ पे किसको त्याग करने के लिए बोल रहे हैं किसको ग्रहण करने के लिए बोलते हैं एक ही शब्द में स्पष्ट होता है इसीलिए कर्म शब्द प्रयोग किया इसीलिए तब जाकर के इसको ठीक से समझेंगे वो तब चौथा अध्याय में बोल कर कर्म कर्मणि हे विबद्धम बोधवं च विकर्मण अकर्मणस्य बोधवं धाना कर्मणो गति तब आपको समझ में आएगा कर्म अकर्म विकर्म क्या है ठीक है ना। तो यहाँ पे उन इस बात लोग ये लोग मन सभी के पक्ष में कुछ ना कुछ श्रुतिवाद भी मिल जाते हैं स्मृति भी मिल जाते हैं अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि परंतु ये भी पारमार्थिक तत्व नहीं है भगवान देखिए वहाँ पे भगवान बोला ये कर्म है परंतु सबके पीछे मैं हम भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को वही मुख्य रूप से बोल रहे हैं वही दुख निवृत्ति का उपाय है परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब माध्यम है ये सब आपको सुगम करना पड़ता है। यज्ञ इति च तद्विदः अच्छा भाई अब बोलते हैं देखो भाई कोई कितना भी वेद लिखे वेद में कर्म भी लिखे यदि परंतु ये विधि वाक्यों को सुन करके यदि किसी के मन में मतलब यदि विधि को सुन करके यदि कोई उसका मन में किसी का प्रेरणा नहीं हुआ इस फल को मैं करके भोग करूँगा तो उसका क्या लाभ रहा तब उसका क्या लाभ रहा। आपने विधि वाक्यों को सुन करके शास्त्र ने मेरे को इस काम को पहल करने के लिए कह रहे हैं इसलिए मुझे करना चाहिए ये जो शाब्दी भावना आर्थिक भावना उत्पन्न हो किसके अंदर उत्पन्न होता है वो जिसके अंदर भोक्तृत्व है तो भोक्ता भोग करना चाहते हैं है कि नहीं। वो शाब्दी भावना आर्थिक भावना जो वेद जिस तुम बोल रहे हो वेद के बाद बोला यज्ञ ठीक है वेद शब्द राशि है यज्ञ करने से फल मिलता है ठीक है परंतु वो तब तक कोई लाभ नहीं होगा यदि उसको करने वाला कुछ ना कोई नाम इसीलिए तो आजकल लोग वेद भूल रहे हैं
जब यज्ञ आदि कर्म करने वाला नहीं है, इसलिए लोग आजकल उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए वो भोक्ता मुख्य तत्व है, भोक्ता मुख्य तत्व है। शेषांकवाद जो है भोक्ता नहीं होगा, कि पुरुष को जो है वो अकर्ता तो माना परंतु भोक्ता माना। एक सांख्य की एक कैटेगरी, बाद में तो परिशोधन होगा, भोक्ता माना। अच्छा बताओ, यदि वो भोक्ता होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? वो कोई पाप किए बिना उसको दुख भोगना पड़ेगा। यदि केवल भोक्ता होगा तो क्या हो जाएगा? कर्ता नहीं है, भोक्ता होगा तो क्या हो जाएगा? बिना पाप से भोग करना पड़ेगा, तो बिना पाप से सुख, बिना किए ही हमको सुख अथवा दुख मिल जाएगा। इसलिए भोक्ता मुख्य नहीं है। ये सब मिल करके इसके पीछे लेते रहते, उसको दिखाने के लिए इतना अलग अलग वादियों को छोटा छोटा करके दिखा रहे हैं। बोलो, समझने की कोशिश करिए हम भी, कि अलग अलग करके मानते हो, परंतु इसके पीछे मूल तत्व तो देखो, भोक्ता इति च भोक्तृविद। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, भोक्ता एव आत्मा न कर्ता इति सांख्य। ईश्वर सांख्यवाद जो है ना, बोलो इस मान से ईश्वर सांख्यवाद, ईश्वर सहित सांख्य, बोलो एक सांख्यवाद है ईश्वर, ईश्वरी न सह ईश्वर। योग दर्शन के एक भाग है वो, ईश्वर अलग करके दिखा है। वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, भोक्ता है वो आत्मा, ये आत्मा केवल भोक्ता ही है, वो कर्ता नहीं है। भोक्ता है वो न कर्ता, सांख्या लिख रहे हैं, सांख्या मतलब ईश्वर सांख्यवाद। तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते। अब भोग मतलब क्या हो जाएगा? एक विकार, एक मानसिक विकार, शुभ दुख मतलब मानसिक विकार होता है। तत्र भोग यदि विक्रिया स्वीक्रियते तरे कथम न अनित्यत्वादि प्रसंग। यदि उसको आप जो है भोग उसका स्वभाव है तो उसको अनित्यत्व क्यों नहीं आएगा? वो तो अनित्यत्व हो, अनित्य हो जाएगा, है ना। कथम न अनित्यत्वादि प्रसंग, अनित्यत्व के प्रसंग कैसे नहीं हो सकते? वहाँ पे आप सृष्टि का मूल तत्व ढूंढ रहे हो कि नित्य वस्तु क्या है, तो आपने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया? तो आत्मा नित्य वस्तु है। कौन सा आत्मा नित्य वस्तु है? जो भोक्ता आत्मा नित्य वस्तु है। एक तो कर्तृत्व के बिना भोक्तृत्व होना संभव नहीं है। यदि आत्मा को तुम भोक्ता मानते हो तो असंख्य भाई पुरुष कैसे बोल सकते हो? पुरुष में यदि भोक्तृत्व मानते हो तो असंख्य पुरुष कैसे रहेगा वो? इसलिए बोलते हैं तत्र यदि तत्र भोग को यदि विक्रिया स्वीकार, तो भोग को विक्रिया स्वीकार करते हो, भोग मतलब कोई विकार नहीं। पहली बात तो यह है कि ना भोग प्रकृति में है ना भोग पुरुष में है। हमारे चिंतन से कौन सा जो प्रकृति जड़ है, जड़ में भोग नहीं होता, और शुद्ध चिंतन में भी भोग नहीं होता। ये दोनों का गांठ हमने ऐसा बांध लिया, जड़ चित्त गांठ, बस भोग 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 के पीछे ही चैतन्य दूर भोग में बदल जाता है, सारा भोग दूर भोग में बदल जाता है। भोक्ता एव आत्मा न करता इति सांख्य शेष सांख्यवाद। तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते, यदि तुम्हारे द्वारा भोग यदि विक्रिया ऐसे स्वीकार करते हो, तरी कथम अनित्यत्व प्रसंग, वो अनित्यत्व प्रसंग क्यों नहीं आएगा? स्वभावत्व सदा सदा, जो भी भोग इसका स्वभाव होगा हमेशा जो है, मतलब स्वभाव ही है, जिसका आत्मा के चेतन स्वभाव है, तो हमेशा चेतनता रहता है, सुषुप्ति काल में भी रहता है। इस प्रकार भोग इसका यदि स्वभाव होगा तो सुषुप्ति काल में भी भोगेगा, समाधि में भोगेगा, तो मतलब वो कभी भोग से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं सही यहाँ पे कमा कर देना, तत्र भोग यदि विक्रिया स्वीक्रियते तभी कथम न अनित्यत्व प्रसंग। यहाँ पे एक पास प्रश्न, स्वभावत्व सदाशय, यदि इसका स्वभाव होगा तब तो ये हमेशा ही होता रहेगा। विषय सन्निधो भोक्तृत्व भ्रांति, वह विषय आने से तब भोग होगा ये भी जरूरी नहीं है। मन से भी आप विषय चिंतन करते हुए भोग कर रहे हैं, सामने विषय होता भोग ये जरूरी नहीं है, केवल जो संस्कार है उसी से भी भोग करते रहते हैं। भोक्तृत्व भ्रांति एवं इतिहास, वो भी एक भ्रांति है, इसको मन में रखते हुए बोलते हैं। एवं अलग अलग वादियों के सिद्धांतों को देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे वेदांत सिद्धांत एवं सभी सिद्धांतों को देख करके परिशोधित अवस्था में ला करके बोलते हैं नहीं, वास्तविक ये परमात्मा चिंतन है। वहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी, वह वस्तु द्वारा समुदाय व्यतिरेक है ना, समुदाय व्यतिरेक है ना, समुदाय का कोई जो है अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा आप मान लीजिए हाथ पैर से बना हुआ है शरीर, तो पैर बोलते हैं मैं अलग जाता हूँ, हाथ बोलते हैं मैं अलग जाता हूँ, सर बोलते हैं मैं अलग चलता हूँ, तो समुदाय कौन रह जाएगा यहाँ? इसीलिए मिलकर के समुदाय का अस्तित्व होने के कारण अवयव के बिना अवयव भी नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। इति वहाँ पे जो दो नंबर दिया है ना, स्वभावते सदा शैत इति, इति वहाँ पे दे रहे हेतु है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यदि ये स्वभाव होगा तब हमेशा होता रहेगा। इति मतलब इसलिए, इति यहाँ पे हेतु अर्थ में टिप्पणी दिया है विषय सन्निधो, ठीक है ना, मतलब इति के ऊपर है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि देखो इति लिख करके, इति मतलब क्या होगा, हेतु अर्थ में, इसलिए यदि स्वभाव होगा तो हमेशा ही होता रहेगा। बोले कि नहीं, विषय सन्निधो भोक्तृत्व, जब विषय आएगा तब होगा, ये भी तुम्हारी एक भ्रांति है,
ये भी तुम्हारी भ्रांति है। किंतु नंबर स्फोटिक लोहितवद इति अर्थ क्यों भ्रांति है? आत्मा सर्वदा सच है, जो भुक्तित्व दिखाई पड़ता है इसके ऊपर एक सच आप ग्लास रख देंगे और लाल दिखाई देगा। जब तक यहाँ पे रहे आप कितना भी ग्लास को घिसते रहो, पेंट करते रहो, कुछ भी करते हो, लाल में दिखाई, यहाँ से हटा दो, कोई क्रिया वहाँ पे नहीं चाहिए, केवल थोड़ा मत वहाँ से मत हटा कि किसी प्रकार विषय से मत हटा दो, अपनी शुद्ध आत्मा तो हमेशा विद्यमान रहता है। भ्रांति रेवेती स्फोटिक लोहितवत, स्फोटिक में जैसा लालिमा दिखाई पड़ती है इसी प्रकार ये भी भोक्तृत्व भी आत्मा में एक भ्रांति है। भोक्तृत्व आत्मा में भ्रांति है, क्यों? कि मन के कारण जिस प्रकार इसके ऊपर रहने के कारण उस सफेद वस्तु लाल दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार उस अशुद्ध चेतन अंतकरण प्रतिफलित होने के कारण वो कर्तृत्व भुक्ति का प्रतिथि मात्र होता है, उसके साथ प्रतित्व कोई संबंध नहीं है। इसी सिद्धांत भोक्ता इति च भोक्तृविद, यहाँ तक तो कुछ बौद्धिक बुद्धि को लेकर के विचार चल रहा था, अब केवल भोगवादी आ गया। तो बोले भाई लर लो भाई, भगवान ने संसार को मनाए आपके लिए, इतना अच्छा अच्छा दिखाओ पियो जियो, विचार वक्त काटा पड़ी, ये सब इतना इतना चिंता करने से लाभ नहीं है। जावत जीवन सुख जीवन तो बोलते हैं कि आगे बोलते हैं शुभकारस्तु, शुभकार मतलब ये जो है, क्योंकि अन्नमय ही सौम्य मन मिलता है कि नहीं मिलता है, खाओगे पियोगे तभी ना तुम्हारा मन काम करेगा, मन बुद्धि काम तब कर सकते हैं जब खाओगे पियोगे। ये खाना बनाने वाले बोलते हैं ये यदि हम नहीं होंगे शुभ कार्य मतलब पाते, वो लोग बोलते हैं कि यदि हम आपको खाना बना के ना दे तो आप क्या वेद विचार करोगे, क्या वैदिक कर्म करोगे, इसीलिए ये मुख्य खाना पीना ही मुख्य, शुभ का शब्द प्रयोग के मुख्य रूप से भोग को बोलते हैं। तुम खाना खाओगे पियोगे नहीं तो कर्म कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे, चाहते कुछ नहीं कर पाओगे, खाओ पियो, ये ऐसा भी कोई बात ही नहीं। शुभ कारस्तु भोज्य वस्तु इति प्रतिज्ञा में, ये शुभ कार बोलते भोज्य वस्तु पारमार्थिक है, वो करो वही चीज़ें मतलब काम बन जाएगा। तदपि न ये भी ठीक नहीं है, क्यों? मधुरादि रस व्यंजनादि तदैव अन्नथत्वात् अन्नथत्व दर्शनात् एक रूप्य असंभव। अब बताइए जल के साथ क्या है, जल में कोई स्वाद है कि नहीं? नहीं है। पर आंवला खा के देखो, आंवला देखो, हरदी खा के देखो, जैसे ही वो चीज चला जाएगा मुंह से फिर जल मीठा नहीं लगता, सामान्य लगता, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी आप व्यंजन को बनाया, कल तो जब बनाया तब खाने में अच्छा लगता है, आज से उसको खा के देखो कोई स्वाद ही नहीं है, उसमें दुर्गंध भी आने लग जाता है, दुर्गंध। यानी कि रस मतलब भोज्य वस्तु रस यदि पारमार्थिक होता वो तो दो घंटे में बिगड़ जाता, नित्य वस्तु कैसे हो सकता है, पारमार्थिक कैसे हो सकता है, पारमार्थिक कैसे हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे तदपि न, क्यों? मधुरादि रस मधुर मतलब आपके पास छह रस होता है ना, तिक्त अम्ल कटु मधुर नमकीन, ये सब जो है अलग अलग छह रस को बनाते हैं। व्यंजन आदि जो आपने खाना पीना बनाया तद एव अन्नतत्व, उसी में अन्नतत्व दिखाई पड़ता है। अब अन्नतत्व देखो, एक कुछ दिन पहले हमारे यहाँ तो हुआ तुम्हारे पिता पिता सब्जी भेजे थे, सब्जी तो बनाया, दो बार ऐसा हो गया कि इतना कड़वा कि खाया नहीं जाता, फेंकना पड़ता, खा लिया तो उसका एक दो दिन तक तो ऐसे अच्छा देखो बहुत ही हल्का होते देखे हुए वस्तु। तो यही रसना जो भोग वस्तु जो हमारे लिए बीमार के कारण हो जाते, अन्नता भाव हो जाता, एक ही भोज्य वस्तु तो है अन्नता भाव, उसे बोलते हैं रसना, जैसे एक रूप असमत, इसलिए जिसमें एक रूपता नहीं है वो कोई पारमार्थिक तत्व तो नहीं हो सकता, जिसमें एक रूपता नहीं है वो पारमार्थिक तत्व तो नहीं है। एक ही एक ही एक ही भोजन देखिए बना हुआ है, दस वेजिटेबल है, मतलब सभी के अपने जीवन के अनुसार जो अलग अलग, कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, जिसको थोड़ा मिर्च लग रहा है, किसी बोलते इसमें थोड़ा और नमक होता तो अच्छा होता है, इसलिए जो है ये बिल्कुल व्यक्ति के ऊपर निर्भरित है, वस्तु में नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं कि मधुरादि रस व्यंजन आदि तदैव अंत उस समय में ही वो जो अन्नता भाव को प्राप्त करते हैं, इसलिए एक रूप या संभव हम एक रूप होता नहीं है, इस कारण से भी ये कोई पारमार्थिक तत्व नहीं हो सकता। इसलिए आप बोलते हैं भोज्यमिति चतुर्विदः, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग वेद यज्ञ और भुक्त यह बोलने के बाद अब जो है बीच में खाने पीने का भोग वस्तु का प्रसंग आ रहा है। तब आप ये बताओ कि आप जो भोग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्थूल भोग आयतन भी चाहिए, भोग की करण भी चाहिए,
भोग आयतन भी चाहिए, भोग के कारण भी चाहिए। तो भोग के आयतन स्थूल शरीर को बोलते हैं और भोग के कारण सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं। तो एक बात ही बोलते हैं, अरे तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं होगा तो कैसे भोग करोगे। एक बात ही बोलते हैं, अरे स्थूल शरीर तो चला जाता रहता है, सूक्ष्म शरीर देखो नया नया भोग उत्पन्न करके आगे भी होता रहता है सूक्ष्म शरीर तुम्हारा। एक बात ही, जब ये भोग जो भोज्य भोग ने भोक्ता भोज्य के प्रसंग आ गया ना, भोक्ता और भोज्य के प्रसंग आ गया तो वहाँ पे एक बार और खड़े होते होते खाई लड़ाई कर रहे हो भाई। क्या है कि सूक्ष्म शरीर ही हमारा नए नए एक स्थूल शरीर को धारण करता है। एक हो गया आपका भोग के लिए करण और एक हो गया भोग का आयतन, कौन सा स्थूल सूक्ष्म, ठीक है ना। पर कोई कहता है कि भाई ये भोग ये सब जो आप करते हो ना भोग आदि, आपको क्या होता है मूर्त देवता हो, जिस देवता की उपासना आदि करो तो देवता के रूप हो, उस देवता के अंदर चिंता करके उपासना करके तब जाकर तुम्हें भोग वस्तु प्राप्त होते हैं। चाहे आपका सूक्ष्म शरीर कितना भी हो, यदि आप उपासना आदि ना करोगे, देवता पूजा आदि ना करोगे, स्थूल जब आपको नहीं मिलेगा वो। और एक बात ही बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त मतलब क्या होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बौद्धवादी शून्यवादी बोलते हैं, मतलब स्वरूप भूत स्वरूप रहित है, वो स्वरूप से रहित है। इस प्रकार से स्वरूप रहित जो तत्व है, मतलब स्थूलत्व रहित है, सूक्ष्म जो वो स्वरूप रहित मात्र है, उसका वो पारमार्थिक तत्व है। ऐसा भी कुछ बोलने वाला है शून्यवादी बौद्ध को मत बोलेगा तो बोलते हैं। आप देखिए मतलब इसका चेन को देखिए, चेन कैसे कैसे कंटिन्यू हो रहा है, अलग अलग वादियों के अलग अलग मत का परिशोधन हो रहा है। सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदः, सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदः, स्थूल इति च तद्विदः, स्थूल इति च तद्विदः, मूर्त इति मूर्त विदो, मूर्त इति मूर्त विदो, अमूर्त इति च तद्विदः, अमूर्त इति च तद्विदः। श्लोक पढ़ते समय हम मूर्त ही पढ़ेंगे, परंतु विशेष समझाने के श्लोक पढ़ते समय हम इसको मूर्त ही पढ़ेंगे, परंतु मैं यहाँ पे समझने के लिए पहले अमूर्त शब्द का उच्चारण किया, जानना अभी पढ़ते समय सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदः, स्थूल इति च तद्विदः, मूर्त इति मूर्त विदः, मूर्त इति च तद्विदः। कोई बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर यही मुख्य तत्व है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है आपको अनादि काल से एक ही सूक्ष्म शरीर में है कि नहीं, परंतु सूक्ष्म शरीर जड़ होगा कि चेतन होगा, अनादि काल से एक ही सूक्ष्म शरीर है, ध्यान रखना। अनादि काल से एक ही ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं होगा, जब तक अज्ञान है तब तक उस सूक्ष्म शरीर अंतकरण नया नया वासनाओं के कारण एक नया नया स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। अभी भगवद गीता में बताया क्या श्लोक चल रहा है, भाषा से जीर्णा नहीं जाता विहाय नवानी विरनति शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्नानी संजाति नवानी दैवी। अन्न को समझो किसको, कौन किसका होता है अन्न, शरीर के साथ समझो किसका होता है, सूक्ष्म शरीर का। आत्मा का तो किसी का साथ कोई संबंध नहीं है, सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, वो एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, आवागमन करता है ना। इसीलिए जो है ये अवच्छेदवाद में ही उपयोगिता है कि अवच्छेदवाद में हम इसलिए मानते हैं प्रतिबिंबवाद को समझने के लिए, और अवच्छेदवाद कहते हैं आवागमन दिशा बहुत वस्तु मान, मतलब इस कटोरी है, इस कटोरी में आकाश है, इसको जब ले जा रहे हैं यहाँ पे तो क्या लग रहा है आपको, आकाश यहाँ से इस कटोरी के अंदर बैठा ये आकाश इधर आ, ठीक है कि नहीं, ऐसा लगता है, परंतु वास्तविक आकाश कहीं नहीं है, केवल मात्र उपाधि आता जाता रहता है। तो ये उपाधि उपहित चेतन, उपहित चेतन जो है ये जो सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन को मुख्य मानते हैं, परंतु वो चेतन की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो केवल सूक्ष्म शरीर। और फिर जो है बस कोई वादी बोलते अरे सूक्ष्म शरीर अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, सूक्ष्म शरीर जड़ है या चेतन, सूक्ष्म शरीर जड़ है, सूक्ष्म इसलिए सूक्ष्म शरीर उपहित हम कभी भी बोल करके आए सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन कम तेजस को, और समस्त सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन कम हिरण्यगर्भ को, जागृत प्रपंच स्थूल शरीर और जागृत प्रपंच की जो ज्ञान, ये तीनों को मिलकर के विश्व बोलते हैं। पहले यहाँ पे आया था विश्व तेजस और राज्य, इसी प्रकार वैश्वानर विराट विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये तीन यहाँ पे पहले बोल कर है ना। चेतन एक ही है, चेतन में कोई भिन्नता नहीं है, अलग अलग उपाधि से उसका अलग अलग नाम है,
जिस समय हम विराट को बोल रहे हैं उस समय भी तेजस और प्राग्गुमा बैठा हुआ है, बतामर दृष्टि वही तक। फिर जिस समय हम तेजस को देखते हैं उस समय विराट वहीं पर विद्यमान होते भी उसको हम जरा इग्नोर किया, वहाँ तो हमें कारण विद्यमान है। सुषुप्त और जागृत में बैठ करके जब हम कारण को केवल देखेंगे तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अपने को धीरे धीरे अलग करने पर तब हमारी अज्ञान प्रति हमारी दृष्टि जाती है। दृष्टि जाते ही जैसे रज्जु की दृष्टि जाते ही वो रज्जु संबंधित सर्व दिखाई देगा और नाश हो जाता है, तब क्या होता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म विदा स्थूल स्थूल वाले बोलते अरे हाई यदि इंद्रिय गोलक नहीं होगा तो इंद्रिय काम नहीं कर पाता है। देख लो कहाँ पे जब एक शरीर से तुम्हारा मुर्दा शरीर में स्थूल शरीर ही तुम्हारा मुख होगा तो उतार कर लेकर बोलेंगे तब वो मृत शरीर में ही काम हो जाता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं, इसलिए आवागमन काल में कोई भोग नहीं है। पंचक निविदाएँ बताएं आपको आप ब्रीज आबादी रूप में आया काटा पीसा किया उस समय आपका भोग नहीं है। जिस समय पिता के शरीर में प्रवेश किया उस समय माता के शरीर में वहाँ से भोग शुरू हुआ, वहाँ से भोग शुरू हुआ। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं स्थूल इति चतुर्विद नहीं, सूक्ष्म शरीर जो है अकेला काम नहीं करता, स्थूल को लेकर के काम करता है। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, इसीलिए तो हम मूर्त देवी देवताओं को मानते हैं, इसीलिए मूर्त देवी देवताओं को हम मानते हैं मूर्त द्रव्य मतलब, क्योंकि आप कुछ भी कर्म का फल प्राप्त तो करना चाहो देवी देवताओं का आपको पूजा उपासना के बिना तो हो नहीं सकते, इसलिए मूर्त इति चाहे मूर्त स्थूल आते ही मूर्त देवी देवताओं में गया। अमूर्त इति चतुर्विद नहीं, शून्यवादी बोलते हैं नहीं नहीं स्वरूप शून्य वस्तु जो मूर्त तो नाम रूप मिथ्या होता है, कोई वास्तविक है नहीं तुम्हारे कल्पना है, परंतु तो हम तो नाम रूप के पीछे अधिष्ठान को बोलते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नाम रूप भी कुछ नहीं है वहाँ पे स्वरूप शून्य वस्तु, इसलिए हमें बोलते हैं अमूर्त इति चतुर्विद अमूर्त वस्तु स्वरूप शून्य वस्तु। इस प्रकार जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। देखो यहाँ पे टीका पर आनंद जी क्या लिखते हैं, आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण से अदिति के चीजिए, तो यहाँ पे तो है ये तो हमको दिखता है ये अनुपरिमाण मानने वाले आत्मा को जैनों के एक रूप है, जैन मतलब शरीर परिमाण भी मानते हैं क्योंकि आत्मा को तीन को लेकर के विचार करते हैं, आत्मा का परिमाप आत्मा की संख्या और आत्मा की स्वरूप, ठीक है ना। यहाँ पे आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण शरीर की चीज चार नंबर टिप्पणी में बोलते हैं कि अहम प्रत्यादिति अहम प्रतीति गोचरादिति अर्थ, आत्मा क्या हो जाएगा सूक्ष्म को अनुपरिमाण जब बोल रहे हैं आत्मा छोटा परिमाण है वो तुम्हारे सिद्धांत तो भ्रांति ही है, क्यों यदि ये अनुपरिमाण होता तब क्या होता है तुम नदी के गंगा जी में पैर रख के खड़े हो जाते तेज धूप में, तो क्या होता है टीका फोर में केचिदिति दिगंबर, अच्छा दिगंबर हाँ जैन जैनवादी हाँ दिगंबर है जैनवादी, मैं सोचते दिगंबर दिगंबर की दो मत है, एक अनुपरिमाण मानते हैं एक मध्यम परिमाण मानते हैं शरीर परिमाण मानते हैं। सप्तभंगी न्याय के द्वारा वो लोग जो है जैन जैनी लोग बोलते हैं वो भी वही दो भाग है ना श्वेतांबर और तो यहाँ पे वो जो है ये दिगंबर लोग क्या बोलते हैं अनुपरिमाण है, परंतु अनुपरिमाण हम स्वयं अनुभव करते हैं आत्मा अनुपरिमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि अनुपरिमाण माने कहाँ रहेगा शरीर में, तो आप बोलते हैं तो परंतु ऋत देश में यदि होगा तो आपका पैर जल की पानी में और धूप सर के ऊपर अब सर पे गर्म कैसे लग रहा है पैर ठंडा कैसे लग रहा है, ऋत देश में तुम ट्रांसफर्श ही नहीं हो अनुभव कैसे हो, आप बोलेंगे त्वगेंद्रियों के माध्यम से, अतः त्वगेंद्रियों के साथ आपका आत्मा का संयोग होगा तुम्हें चेतन तत्व का, तो चेतन का संयोग होने से सारा शरीर में चेतना का फैल रहा है, तो इतना कल्पना करने से अच्छा है कि आत्मा को सीधा पूर्ण व्यापक माने, और यदि मध्यम परिमाण मानेंगे आप मध्यम परिमाण आत्मा होगा तब क्या हो जाएगा इस समय जो है आपके पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य शरीर मिला, अब यदि मान लीजिए किसी समय आपको कर्म के विभाग से पशु शरीर हाथी शरीर मिल गया स्पर्श सुख का तरह तो आत्मा कहाँ रहेगा, हाथी के पैर में रहेगा कि सूंड में रहेगा कि शरीर में रहेगा, मध्यम परिमाण वस्तु भी है नाशवान हो जाता है वो भी होता है, इसको लेकर ब्रह्मसूत्र ने विचार आया द्वितीय अध्याय बोलते हैं दिगंबर आई थी, वो लोग ऐसा मानते हैं आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण सी दिगंबर चित कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तन्न ऐसा नहीं हो सकता, क्यों युगपत अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान अनुसंधान असिद्धि रीति अर्थ एक साथ
संपूर्ण शरीर को व्याप्त करते, अशेष शरीर व्यापी वेदना है ना, आपका पूरा शरीर में जिस प्रकार देखिए पैर के माथे पे आपको एक कांटा चुभ गया, यहाँ पे कैसे फूल जाता है जमा पैर के माथे, यानी कि यहाँ तक यदि वो ही थोड़ा बढ़ जाता है, हाथ उसमें कई जानते ना बता सर दर्द होने लगता है, घूमने लगता है, ऐसे कुछ भी नहीं, एक ही साथ एक ही शरीर में जब पूर्णता और मतलब चाहे शीतलता हो चाहे उष्णता हो अथवा शीत उष्ण मतलब कोई वेदना हो पूरा शरीर में अनुभव में आता है, इसलिए आत्मा यदि अनुपरिमाण होगा तब एक साथ पूरा शरीर में किसी प्रकार का अनुभव होना संभव नहीं होगा, इसलिए बताए युगपत अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिद्ध, इस प्रकार जो वेदना की जो अनुसंधान हम करते हैं ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए मन में रखते सूक्ष्म इति सूक्ष्म विद, तब बोलता है ठीक है भाई सूक्ष्म शरीर तो काम नहीं कर सकता स्थूल शरीर के बिना, इंद्रिय गोलक नहीं हो तो इंद्रिया नहीं काम कर सकते, यदि इंद्रिया सूक्ष्म शरीर अपने आप स्वतंत्र काम कर लेगा तब तो आपको ट्रांजिशन पीरियड भी मतलब आवागमन काल में भी आपका भोग होने लग जाए, परंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि स्थूल देह अहम प्रत्यय आत्मा इति लोकायतन भेद, लोक चार वाक्य एक भेद बोलते हैं, नहीं सभी व्यक्ति इसको बोलते हैं कि मैं, अरे मैंने किया इस काम को, कहाँ दिखाते हैं मैं को छाती टोक के इसी को ही मैं मान लिया, इसीलिए आप बोलते हैं स्थूल देह अहम स्थूल शरीर ही मैं हूँ, ये अहम प्रत्यय यही क्या मतलब मैं बुद्धि यहीं पे होने के कारण, मैं बुद्धि स्थूल शरीर में होने के कारण सूक्ष्म शरीर में दिखाई नहीं पड़ती तो और स्थूलवादी है, इसलिए बोलते हैं कि स्थूल देह अहम प्रत्यय आत्मा वही आत्मा है, यदि लोकायत भेद इसलिए लोकायत चार वर्ष की एक विशेष गोष्ठी हो ऐसा बोलते हैं, मतलब यहाँ मुझे पाँच नंबर टीम अहम प्रत्यय की अहम प्रतिथि गोचर अर्थात अहम प्रतिथि का विषय होने के कारण कौन हम प्रत्येक स्थूल शरीर है ना, ये बोलता है तच्च न, ये कथन भी आपका सही नहीं है, यदि स्थूल शरीर आत्मा होगा तो बताओ मृत शरीर में भी बोलता कि मैं हूँ मैं हूँ, मृत शिशुप्तयोरपि संघात तो अभी मृत शरीर हो अथवा सुषुप्त अवस्था हो उस कार्यकरण संघात तो वही है, कार्यकरण संघात तो यदि स्थूल शरीर ही आत्मा होता तो उस समय भी बोलता नहीं बोलते, इसलिए बोलते सुषुप्त मृत सुषुप्त तयोरपि संघात अविशेषात चैतन्य प्रसंगात अविचेतन, ऐसा मानना पड़ेगा आपको, एक एक भूतस्य चैतन्य अदर्शन आप फिर जो है अब ये चेतना था भूत में तो सृष्टि में क्या बोला ये स्थूल कैसा है पंचभौतिक है चाहे ब्रह्मा जी का हो और चाहे चीटी का, तो आप आकाश को जड़ चेतन क्या मानोगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जैसे वेदांतिक सिद्धांत में सबके पीछे प्रतिष्ठा थी देवता चेतन तत्व है, पर दंडवादी तो नहीं मानते इसको, बोला आप तुम्हारे किस में चेतनता है बोलो स्थूल शरीर पंचभूत से बना हुआ, बोलता किस में चेतन नहीं है मिल करके चेतनता आ जाता, बोलता यदि ये धर्म किसमें नहीं होता अचानक कोई नया धर्म उत्पन्न हो जाएगा ये होना संभव भी नहीं, इसलिए बोलते हैं अभी एक एक भूतस्य चैतन्य अदर्शना, किसी भी एक भूत में स्वतंत्र रूप से चेतनता तो नहीं दिखाई पड़ता है, संघातस्य च अवस्तु तथा संघात जो है पारमार्थिक वस्तु है अवस्तु छः नंबर टिप है अवयवत भिन्नते नहीं ना किंचित वस्तु अवयवी, पहले भी बोला था यहाँ पे ना समुदाय समुदाय अवयव अवयवी ठीक है ना, अवयव से भिन्न करके अवयवी कोई अलग वस्तु है ही नहीं, अवयवी कोई चेतनात्मा और सब सारा अवयव हो ऐसा तो हमारा सिद्धांत तो नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि संघात सदर्शन संघात अवस्तुत्वादिति अवस्तु है, अवस्तु मतलब अवयवतः भिन्नते न अवयव से अलग हो करके पंचमी तहसील प्रत्यय है ही न किंचित वस्तु अवयवी उससे अलग करके कोई भी वस्तु अवयवी रूप में हमको उपलब्ध नहीं होता, हम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे आपको स्थूल शरीर आत्मा ये कहना भी नहीं पूछा करते, कौन सा पर्व द्वितीय पर्व द्वितीय एक नंबर आज एक नंबर हो पीछे का एक नंबर अजमपीयोगं।